एवरीबॉडी होम। ऐसा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुमने तो मुझे मैसेज करके बुलाया था आज। माया को ना शक है कि मेरा और शबाना का कोई चक्कर है। अच्छा, अब बोलोगे भी कि ये कौन है? मैं तो बोलूंगा लेकिन ये नहीं बोल सकती क्योंकि ये गूंगी है। गूंगी? रुको, तुम्हारी स्पीड बता रही है कि तुम ही शबाना हो और तुम ही वो जासूस हो। शबाना प्लीज यहाँ से चली जाओ प्लीज। मेरी से शादी होने वाली है नेक्स्ट मंथ। अरे गला फाड़ कर मेरे घर में खड़े होके क्यों चीख चीख के बता रही हो? तुम चुप हो जाओ अभी और इसी वक्त इसे बहन कहो। वो मेरे से मत कहना, ऐसा ही कहेगा। नहीं, हाँ, नहीं। कोई चलाकी नहीं थी। मैं आई नेवर थॉट कि मासूम आदमी है। बहुत मैं कहता हूँ इनकी मासूमियत की कसमें खाते लोग। एक 16 साला लड़की के पास मोबाइल नहीं होता था। फातिमा के में सिग्नल होता था कि एक बेल जाएगी तो उसके बाद फिर फोन उठा लेना। पहले एक मिस कॉल आएगी, एक सिग्नल और फिर जो फोन आएगा फौरन वो। अरे वाह यार, You can't speak. Oh, sorry. You can't speak. नहीं नहीं मानेंगे। मैं फिर से दूंगा। मैं फिर ना जाना। उसकी लड़ाई होना शुरू हो चुकी है। नहीं नहीं नहीं। नहीं सब तो सोनी है। आए नहीं मन मोड़ी है। मैं तेरा हो गया। प्यार बिच खो गया। अगर आप लोग अपनी ईद और अच्छी बनाना चाहते हैं तो ये शो छोड़ के कहीं मत जाएगा। करने ने कितनी ईदी दी कवल को। मैं आपके सामने ईदी दे रहा हूँ। चालकोट में फर्स्ट टाइम मिले थे, इसके 1.3 थे, मेरे 1 मिलियन थे। जेलस पीपल यू नो। कोई गुड न्यूज है जो आप लोग अभी तक रिवील नहीं कर रहे? बच्चे 2 या 5। दो ही अच्छे। बेबी अम्मा की गोद में। हम लोग शादीशुदा है तो मैं उसकी अम्मा नहीं हो सकती और ना के कंपेयर किया जा सकता है। जलता है सालम मजनू, जलता है। हम आ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी बेगम से बहुत ज्यादा डरते हैं। कौन नहीं डरता यार बेगम से? देखना मत भूलिएगा ओनली ऑन आज एंटरटेनमेंट। ईद सर पर है और मेरे चांद का कुछ पता नहीं। ये रहा आपका चांद, तुझे सोचना मेरी चांद रात, तुझे देखना मेरी ईद है। कहीं रक्स में जिंदगानी है, कहीं पर रुते मस्तानी है, खनकती चूड़ियों की सदा भी है। तोहफा जो मिले तो ये प्यार की अदा भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मरिया एसन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एमजे एसन। हम लेकर आ रहे हैं इस ईद पे एक ऐसा ग्रैंड शो जिसका नाम है मेरी ईदी। देखना मत भूलिएगा ओनली ऑन आज एंटरटेनमेंट। ईदी क्या आई? 50,000 रुपया ले गई है। 50,000 रुपए? 50,000 शादीशुदा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उमर सबसे ज्यादा इमोशन किस बात पे होता है? उमर बहुत पोजेसिव है मुझे लेके। मैं हूँ लेकिन मेरे से डबल है। मैं हल्का सा ना, हाँ इसमें भी इमोशनल हो जाता। अक्सर आप दोनों की लड़ाई होती है, आप अनफॉलो कर देते हैं। अनफॉलो नहीं करते, ब्लॉक करते हैं डायरेक्ट। मैं उमर को बहुत कोई बड़ी फिल्म ऑफर हो गई है। मैंने एक बहुत प्यारा अपना प्रोजेक्ट छोड़ा, उसके अंदर इस टाइम शावीर जाफरी और दानियाल जफर है। अगर है लेकिन अगर अच्छा कोई प्रोजेक्ट ऑफर हो रहा है और साथ हो रहा है तो हम करते हैं। मेरी ईदी मदीहा एहसन, जन्नत उमर और उनकी बहुत प्यारी सी फैमिली के साथ देखना मत भूलिएगा ओनली ऑन आज एंटरटेनमेंट। क्या हुआ है तुम्हें? क्यों लगता है कोई तुमसे प्यार नहीं करता? मेरी माँ के जनाजे का नहीं बताया गया, मुझे कुछ नहीं बताया, मेरे साथ इतना कुछ कर दिया तुम लोगों। मैं आपकी बहन के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर वो तलाक लेना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। अब बात करें आप, लेकिन पाकीज़ा का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, समझे? मर गई वो हमारे लिए। सारी बकवास करने की क्या जरूरत थी? पाकीज़ा पे जरा सख्ती करनी पड़ेगी तुम्हें। अब क्या जान से मार दूं उसे? सब हो जाने के बाद अभी तक वो इतनी जज्बाती है और कोयल बता रही थी कि वो अब तक ये कह रही है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। मैं सया रात हूँ, सहर तो नहीं। कल मत पढ़ ले ओए, तेरी नमाज जनाजा का टाइम हो गया। और छोड़ दे यार जग्गू, मेरा यार आशिक आया। आशिक कौन है? ये मेरा जिगरी दोस्त है जग्गू। तोबा तोबा, अब इश्तिहार ही रहेंगे मेरे घर में।
अगर तेरी जिद है ना जगू मोहब्बत ना करने की, तो शीजा की भी जिद है तुझे मोहब्बत में बर्बाद करने की। अपनी उस बहन को संभाल लो, उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सच्ची? जो जायदाद आशिक की खाना ही होनी थी, अब ब्रूसली की होगी। ये बाल्टा बारी बारी सबके सर पे रखा जाएगा और शीजा इसका निशाना लेगी। ये फटेगा ना तो चिपचिप हो जाएगा पूरा। ओए बड़े की, ओए जमीन की गिली कर दी।